हेलो एवरीवन। तो कल सुबह मैं 4:30 बजे घर से निकला था एंड अभी 12 बज रहे हैं, अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के एंड अभी मैं गुवाहाटी में पहुँच गया हूँ। तो काफ़ी टाइम लग गया बट अच्छे से जर्नी कर लिया एंड यहाँ पे और कुछ लोग भी मिले, दोस्त लोग मिले हैं जो कुछ तीन, जिसमें से 3 दोस्त रेडियो ऑपरेटर के हैं और एक दोस्त है मेरा जो क्लर्क का है। तो अभी हम साथ में ही आगे जाने वाले हैं। तो ये देख सकते हो ये लोग वीडियो बना रहे हैं एंड मैं अभी कुछ भी बस अपना यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड यहाँ से भी हमें और आगे जाना सुखो भी। तो यहाँ से भी मैं गुवाहाटी से लमडिंग जाऊँगा, लमडिंग में एक मेरा दोस्त है उसके यहाँ रुकूँगा एंड उसके बाद लमडिंग से हम लोग कल जाएंगे सुखोवी। तो कल सुबह सुखोवी ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाएंगे असम राइफल का। तो फिर वहाँ पे फिर क्या होता है वो मैं आगे जाके बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्त है अमित जो क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है इसका और ये भी झारखंड का ही है। तो अभी हम दोनों साथ में जाने वाले हैं ना, मजा आ रहा है कि नहीं अमित? बहुत मजा आ रहा है यार। और एक्साइटेड हो ट्रेनिंग के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे लाइफ का नया जर्नी जो है यहाँ से चालू हो गया है। अच्छा, और तुम्हारा कितने बार में अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ समर राइफल में? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं टाइपिंग तक पहुंच पाया था। अच्छा, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, मेरा पहली बार में मैं टाइपिंग में रिजेक्ट। बाकी मैं सबको बोलना चाहूंगा कि देखो कितना बार भी जाओ, कुछ भी हो, रिजेक्शन मिले कितना बार भी मिले, लेकिन हार मत मानना कभी। हमेशा जम के तैयारी करना और अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, कभी भी गिव अप मत करना, नेवर गिव अप। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम गुवाहाटी पहुँचे थे, गुवाहाटी में 10 बजे पहुँच गया था एंड उसके बाद हम लोग कामाख्या मंदिर गए, क्योंकि जब मैं पहली बार असम राइफल भर्ती आया था रनिंग के लिए तो जब टाइपिंग टेस्ट पास कर गया था तो मैं कामाख्या मंदिर गया था उस टाइम पे और मैंने मन्नत मांगा था कि असम राइफल में मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं दोबारा जरूर आऊँगा एंड मेरा। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आइए और हमारे साथ हम लोग आपको ट्रेनिंग दें, ऐसा मौका मिले। तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया एंड कामाख्या मंदिर भी गए, बट इस बार क्या था ना, कामाख्या मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, करीबन पूजा करने में 5-6 घंटे का टाइम लग जाता। तो हमने बस ऊपर से मंदिर के दर्शन किया एंड एक जगह शॉर्टकट था जहाँ से पंडित जी ने पूजा करा दिया, तो बस वही देख के हम लोग आ गए एंड सब कुछ मेरा अच्छा से हो गया। तो कामाख्या मंदिर जरूर आना पहले, और ऐसा माना तो कामाख्या मंदिर पहले हो के आना, जरूर आना और जाने के बाद भी कामाख्या मंदिर हो लाना, हो लेना फिर जाना अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। तो बहुत अच्छा लगा, मेरा जो मनोकामना था वो पूरा हो गया एंड काफ़ी मेहनत भी किया था मैंने और अमित ने भी। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर फ्यूचर। तो जो लोग भी आ सभी जो लोग भी आने वाले हैं यहाँ पे मेहनत करो, अभी से ही लग जाओ, अगली वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, फरवरी मार्च तक वैकेंसी आने वाली है। देखो अमित बोल रहा है कि फरवरी मार्च, मैं बोल रहा हूँ अप्रैल में आ जाएगी वैकेंसी, तो तैयारी में फरवरी मार्च के मिड में आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग को जो है टाइपिंग का जो है पढ़ाई का जो है अभी से जोर शोर लगा दो, 7-8 घंटा जितना भी हो सके अपना वो करो, फालतू का टाइम नहीं देना है, पढ़ाई लिखाई करना है, टाइपिंग करना है और ग्राउंड में जाना है, इसके अलावा कोई भी गलत काम नहीं करना है। और खुद से ईमानदार हो, मेहनत करो, जरूर सिलेक्शन होगा। खाने पीने पर ध्यान देना गाइस। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।